नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क पर दोपहर बुलेटिन। दोपहर बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। इंदौर, हजारों वर्ष पुरानी देवताओं द्वारा प्राप्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इतनी चमत्कारी है कि वह मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को भी चंगा कर सकती है। बस मानव की उसमें आस्था होना चाहिए। इसका प्रमाण है 7 वर्ष की मासूम मंदबुद्धि बालिका आरोही पुरोहित का। ये बालिका जन्मजात ना चल फिर सकती थी और ना बोल पाती थी। इससे मुक्ति पाने के लिए आरोही के माता पिता श्रुति कुणाल पुरोहित ने बड़े बड़े एलोपैथिक के डॉक्टरों, विशेषज्ञों से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट तक को दिखाया। एक एक महीना तक आरोही को हॉस्पिटल में एडमिट तक रखा। ग्लूकोज की बॉटल से लेकर महंगे इंजेक्शन तक लगे, लेकिन परिणाम सिफर रहा। चौतरफा चिकित्सा से आरोही के माता पिता निराशा की गर्त में चले गए और उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अंत में किसी ने बताया कि आरोही को आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद जैन को दिखाए। आशा की किरण जगी। डॉक्टर जैन ने आरोही की पहले काउंसलिंग की और एक पखवाड़ा की आयुर्वेद की दवाइयां दी, जो चमत्कारी सिद्ध हुई। आरोही के शरीर में धीरे धीरे मूवमेंट होने लगा, होंठ पर शब्द आने लगे और आज ये स्थिति है कि आरोही न केवल चल फिर लेती वरन सीढ़ियां चढ़ लेती, 1 किलोमीटर तक दौड़ लेती और साफ उच्चारण के साथ फराटेदार बोलती है। जिस आरोही को मंदबुद्धि स्कूलों में प्रवेश दिलाने की बात होती थी, आज वह सामान्य स्कूल में आम बच्चों की तरह पहली कक्षा में पढ़ रही है। आरोही महेश्वर से अपने दादाजी अजय पुरोहित के साथ उपचार वास्ते तुकोगंज में डॉक्टर प्रेमचंद जैन के यहाँ कभी कभार आती है। डॉक्टर जैन कहते हैं, ये मेरा नहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का कमाल है जो असाध्य रोग में भी कारगर है। लकवा, माइग्रेन, बवासीर, घुटनों के दर्द में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लाभकारी है। और अपने को सही बात बताना, अपने को ये नहीं कह रहे साहब, अपने एक्स्ट्रा वाला एक शब्द भी नहीं एक्स्ट्रा चाहिए। बाकी सैलरी सीढ़ियां भी चढ़ जाती है, सीढ़ियां भी चढ़ती है, ऊपर चली जाती है, अकेली हो रहा है, सीढ़ियां भी चलो, सीढ़ियां भी चढ़ जाती है। और किराएदार को डांटते हैं यहां क्यों खड़ा, लेकिन कहीं से फायदा नहीं हुआ 1% भी। कह दो मम्मी का नाम बोल दो। मम्मी का नाम छोटी पुरोहित, छोटी पुरोहित, छोटी पुरोहित। पापा का नाम कुणाल महेश्वर में कौन सी क्लास पढ़ती है? एज कितनी है? प्रॉब्लम क्या थी? मंदबुद्धि की, और चलना फिरना नहीं होता था, बोलना भी नहीं होता था, बोलती भी नहीं थी, अपने पास आई थी जब। ये 6 महीने बेटा2 साल आपने मेडिसिन से करा या आयुर्वेदिक? आयुर्वेदिक। हाँ भेजा था सर, लेकिन वो स्कूल वाले बोलते थे कि जो एबनॉर्मल बच्चों के जो स्कूल होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं, आप वहाँ ट्राई करो, वहाँ भेजो। पर लेते नहीं थे कोई, मतलब तो जनरल में जाते थे। हाँ जनरल, तो फिर जनरल में जा रही हूँ, और अब तो टीचर्स की तारीफ करते हैं सब। अच्छा, दिमाग शार्प है इसका, बहुत ज्यादा शार्प है एक्स्ट्रा। अब तो वो टीचर भी कहते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।